नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएसएससी की तरफ से अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस भी जारी किया गया है और एसएसएससी की भर्ती की एक लिस्ट भी जारी की गई है। उस लिस्ट को देखने के बाद आप भी कहोगे कि ये एसएसएससी ने बहुत ही शानदार कदम उठाया है। तो साथियों, कल शाम को स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ गया बड़ी खुशखबरी से, और उस रिजल्ट के बारे में कल दिन में ही हमने वीडियो बनाकर बता दिया था आपको। लेकिन अब बात करें नई लिस्ट की, तो साथियों जो नई लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में हमने टेलीग्राम चैनल पर वो लिस्ट आते ही तुरंत प्रोवाइड करवा दी थी। चाहो तो आप टाइमिंग जाकर टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, लेकिन हम यूट्यूब पर वीडियो बनाकर नहीं बता पाए। उसका पीछे कारण ये था कि बैक टू बैक हम वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि बैक टू बैक जब वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब अपना नोटिफिकेशन है वो नहीं भेजता है, और जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा यानी कि आपके पास हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो फिर हमारा वीडियो बनाने का फायदा क्या है। इसलिए हमने तुरंत वीडियो नहीं बनाया, और जो इन्फॉर्मेशन अर्जेंट देनी होती है या जो लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करवानी होती है वो हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है डिजिटल फ्री शिक्षा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर और जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अब हम नई लिस्ट दिखाने से पहले आपको नया जो नोटिस अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है वो भी देख लेते हैं। तो पहले नोटिस देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर साथियों आपको नोटिस दिख रहा होगा। इस नोटिस में आप देख सकते हैं कि एसएसएससी ने स्टाफ नर्स भर्ती का जो कल रिजल्ट डाला था उसको लेकर प्रेफरेंस मांगी है। यानी कि आप कहोगे कि स्टाफ नर्स की पोस्ट है लेकिन प्रेफरेंस किस बात की? तो साथियों, ये दो कैटेगरी है इस भर्ती में, दोनों ही अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी कैंडिडेट ने आवेदन किए थे उनका एक ही एग्जाम हुआ था और रिजल्ट भी एक साथ ही जारी किया गया है। अब उनसे प्रेफरेंस मांग ली गई है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहते हैं, यानी कि हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं या ईएसआई डिपार्टमेंट में, कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है और आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से प्रेफरेंस भरिए। प्रेफरेंस की टाइमिंग दी गई है 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आप अपनी प्रेफरेंस है वो भर सकते हैं। अब साथियों, हम नई लिस्ट देख लेते हैं जिसका जिक्र हम वीडियो के थंबनेल पर भी कर रखा है और हमने टेलीग्राम पर वो लिस्ट शेयर भी कर दी थी कल शाम को ही, क्योंकि स्टाफ नर्स के रिजल्ट के तुरंत बाद ये लिस्ट जारी कर दी गई थी। लिस्ट है साथियों स्टाफ नर्स भर्ती के सिलेक्टेड कैंडिडेटों की डिटेल लिस्ट, यानी कि इन कैंडिडेटों ने सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के नंबर है वो किन किन कैंडिडेटों ने लिए हैं या उनका सिलेक्शन कितने एडिशनल नंबर जुड़ के हुआ है, ये सारी डिटेल उस लिस्ट में दी गई है सिलेक्टेड कैंडिडेटों की। तो साथियों, ये प्रोसेस इतना फास्ट हुआ है कि जैसे ही स्टाफ नर्स का रिजल्ट आया था उसके तुरंत बाद ये लिस्ट जारी कर दी गई, यानी कि बहुत ही फास्ट तरीके से काम हो रहा है और पारदर्शिता की तरफ एक ये कदम बढ़ाया गया है। साथियों, अगर ऐसा सभी भर्तियों के लिए होता है तो बहुत ही शानदार कदम हम इसको कह सकते हैं एसएससी का है। इस लिस्ट से आपके हिसाब से कितना फायदा होने वाला है कि जो फर्जी कैंडिडेट लगते थे वो ना लग पाए, अब आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथियों, आपको किस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं। ऐसे ही अपडेट रेगुलर पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।